एक ऐसा खिलाड़ी जो बचपन में काफी नटखट था और जो अक्सर क्रिकेट खेलते हुए अपने पड़ोसी के घर का शीशा तोड़ देता था, जिससे परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें एक क्रिकेट अकेडमी में रखने का फैसला कर लिया। उस खिलाड़ी का नाम है श्रीकर भरत, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले एक भारतीय क्रिकेटर है। वो एक विकेटकीपर और बल्लेबाज है जो परिस्थिति के अनुसार बल्लेबाजी करना जानते हैं। श्रीकर भरत का जन्म 3 अक्टूबर 1993 में आंध्र प्रदेश के रामचंद्रपुरम में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रीनिवास राव है, जो एक सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं। माता का नाम कोना देवी है, जो हाउसवाइफ है। उनकी एक बड़ी बहन है जिनका नाम है मनोधना लोकेश, जो शादीशुदा है और दो बेटियों की माँ है। 5 अगस्त 2020 में श्रीकर भरत ने अपनी गर्लफ्रेंड, जिसके साथ वो 10 साल से रिलेशनशिप में थे, उनसे शादी कर ली और उनका नाम है अंजलि नेंदुनूरी। श्रीकर भरत ने अपनी शुरुआती शिक्षा आंध्र प्रदेश से की थी। बाद में वह क्रिकेट में रुचि लेने लगे और मात्र 10 वर्ष की उम्र से ही क्रिकेट का बल्ला पकड़ लिया था। 12 साल की उम्र में उनके पिता ने उन्हें एक क्रिकेट अकेडमी में शामिल करवा दिया था। वहां पर पहली बार उन्होंने अपने क्रिकेट कोच जय कृष्ण राव से मुलाकात की थी। उनके कोच ने उनको विकेटकीपर और बल्लेबाज बनाने की ट्रेनिंग दी थी। जैसे जैसे वो क्रिकेट खेलते गए, वो उसमें और बेहतर होते गए। उन्होंने अंडर 16 प्रैक्टिस मैच खेलना शुरू तो किया, पर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो उनके पिता ने उनको क्रिकेट या पढ़ाई के बीच किसी एक को चुनने को कहा, पर श्रीकर भरत ने क्रिकेट को ही चुना। 2013 में उन्होंने रणजी मैच में केरल के खिलाफ प्रथम श्रेणी में डेब्यू किया। 6 फरवरी 2015 को गोवा के खिलाफ वो तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। उस मैच में उन्होंने 311 गेंदों पर 308 रन बनाए और अपनी टीम को जिताने में बड़ा योगदान दिया। उस मैच में वो विकेटकीपर बल्लेबाज खेल रहे थे और उन्होंने मैच में 8 कैच भी लपके। बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर की, तो 2018 में उन्होंने भारत की ब्लू साइड के लिए दलित ट्रॉफी में खेला और शानदार प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट टीम में शामिल किया गया, जहां उन्हें रिद्धिमान शाह के चोटिल होने की वजह से विकेट कीपर के रूप में मौका मिला। सीरीज के बाद समारोह के दौरान भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने युवा श्रीकर भरत को ट्रॉफी सौंपी थी। 27 फरवरी 2021 को सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में आंध्र और मुंबई की टीमों के बीच मैच खेला गया। श्रीकर भरत ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग से सभी को प्रभावित किया। जब वो ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, तो उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस देखे जिसमें उन्हें बधाई दी गई थी, क्योंकि उनका सिलेक्शन इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में हो चुका था। बात करें आईपीएल की, तो श्रीकर भरत को आईपीएल 2015 में दिल्ली डेयर डेविल्स ने 10 लाख में खरीदा था, पर उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। फिर उन्हें आईपीएल 2021 में आरसीबी ने 20 लाख में खरीदा। 20 सितंबर 2021 को उन्हें केकेआर के खिलाफ खेलने का मौका मिला। विराट कोहली का अहम विकेट गिनने के बाद उन्हें तीसरे नंबर पर भेजा गया, पर वो सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हो गए। उनका बल्ला चला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, जहां उन्होंने 52 गेंदों पे 78 रन बनाए और आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। इस मैच में वो मैन ऑफ द मैच भी बने। आईपीएल 2022 में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 2 करोड़ में खरीदा, पर पूरे टूर्नामेंट में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस ने उन्हें 1.2 करोड़ में खरीदा था। अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल चल रहा है। और बात करें भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत की, तो वो चाहते थे कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में श्रीकर भरत को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए। उनका मानना था कि उनके नाम में भी श्री है, और जब श्रीसंत आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 और आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 में खेले थे, तब भारतीय टीम दोनों खिताब जीती थी। इसी तरह अगर श्रीकर भरत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं, तो रोहित शर्मा एंड कंपनी आईसीसी के खिताब को अपने नाम कर लेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में श्रीकर भरत को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया है। आपको क्या लगता है, श्रीसंत की बात सच हो जाएगी और भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल जीत जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।